आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो इस प्रकार हैं। एक एक करके इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब है विद्वान आदमी। अब इसे प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट वर्ब मैन ऑफ लेटर्स। एग्जाम्पल है, अमन विद्वान आदमी बनना चाहता है। अमन वॉन्ट्स टू बिकम मैन ऑफ लेटर्स। अल्बर्ट आइंस्टीन विद्वान आदमी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज मैन ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी प्रयोग करेंगे विद्वान आदमी तो प्रयोग करेंगे मैन ऑफ लेटर्स। हिधर एंड दिधर, इसका मतलब है इधर उधर। इधर उधर सब भी बोलते हैं तो प्रयोग करते हैं हिधर एंड दिधर। सब्जेक्ट वर्ब हिधर एंड दिधर। इधर उधर मत जाओ, तो सेंटेंस बनेगा डोंट गो हिधर एंड दिधर। रमेश इधर उधर बाइक से जाता रहता है। रमेश कीप्स ऑन गोइंग हिधर एंड दिधर बाय बाइक। बच्चा इधर उधर घूमता रहता है। द चाइल्ड वॉक्स हिधर एंड दिधर। यहाँ पर घूमता रहता है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं द चाइल्ड कीप्स वॉकिंग हिधर एंड दिधर। द चाइल्ड कीप्स वॉकिंग हिधर एंड दिधर, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। आलम एक्सक्यूज, इसका मतलब है असंतोषजनक बहाना, मतलब ऐसा बहाना जो सही नहीं हो। जैसे कि सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट वर्ब आलम एक्सक्यूज से। सिर दर्द अनुपस्थिति के लिए असंतोषजनक बहाना है, तो सेंटेंस बनेगा हेडक इज अ लेम एक्सक्यूज फॉर अब्सेंस। रमेश ने असंतोषजनक बहाना बनाया। रमेश मेड अ लेम एक्सक्यूज। यहाँ पर सेंटेंस पास्ट का है तो मेक का सेकेंड फॉर्म मेड हो जाएगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, और ऐसे शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं जब भी आप हिंदी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अप्स एंड डाउन। उसने कई सारे उतार चढ़ाव देखा है। ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन मतलब उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, ऐसे बोलते हैं ना। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैनी अप्स एंड डाउन कम इन द लाइफ। तो आप देख सकते हैं कि अप्स एंड डाउन का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं और सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। रवि ने कई सारे उतार चढ़ाव सहन किया है। रवि हैज टॉलरेटेड मैनी अप्स एंड डाउन। तो सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। सो फार एज, इसका मतलब है जहां तक। जहां तक मतलब सो फार एज। सो फार एज के बाद क्लॉज यूज करेंगे। जहां तक मैं जानता हूं वो बहुत ईमानदार है। सो फार एज आई नो ही इज सो ऑनेस्ट। जहां तक मैं जानता हूं सुरेश पढ़ने में बहुत तेज है। सो फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं सुरेश इज सो इंटेलिजेंट इन स्टडिंग। सुरेश पढ़ने में बहुत तेज है। जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा। अब यहाँ पर जहां तक के लिए एज फार एज का भी यूज कर सकते हैं। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा। आई विल गिव यू। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। ऑल द वाइल मीन्स होता है हर वक्त, मतलब हर समय। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑल द वाइल। वो हर वक्त मोबाइल चलाता रहता है। He keeps on using a phone all the while. रवि हर वक्त खेलता रहता है। रवि keeps on playing all the while. तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। हर समय या हर वक्त प्रयोग करेंगे all the while. Over and over again, इसका मतलब होता है बार बार। बार बार मतलब रिपीट करना, उसमें बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार अंग्रेजी बोलो, तो सेंटेंस बनेगा स्पीक इंग्लिश ओवर एंड ओवर अगेन। मैं
वहां बार बार मैं यह बार बार खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट दिस ओवर एंड ओवर अगेन। वे लोग बार बार खेलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू प्ले ओवर एंड ओवर अगेन। तो यहाँ पर आप सेंटेंस देख पा रहे ना, जब यूज करते हैं बार बार, बार बार तो प्रयोग करेंगे ओवर एंड ओवर अगेन। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, मतलब कोई भी चीजों को वियर करना। इससे सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट पुट ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। पुट वर्ब होगा, कपड़े पहनो, पुट ऑन द क्लोथ्स। पुट ऑन द क्लोथ्स मीन्स कपड़े पहनो। मैं अपने कपड़े पहन रहा हूँ। आई एम पुटिंग ऑन माई क्लोथ्स। आई एम पुटिंग ऑन माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े पहन रहा हूँ। वो जूते पहना पहन रहा है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज पुटिंग ऑन द शूज। ही इज पुटिंग ऑन द शूज, वो जूते पहन रहा है। तो सेंटेंस आप समझ पा रहे हैं। फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए। जब भी बोलते हैं थोड़ी देर के लिए तो प्रयोग करेंगे फॉर अ वाइल। जैसे इस फॉर अ वाइल कॉमा क्लाउज का यूज करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आश्चर्यचकित हो गया। फॉर अ वाइल आई गोट शॉक्ड। थोड़ी देर के लिए वो खेलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू प्ले फॉर अ वाइल। अगर सेंटेंस के लास्ट में फॉर अ वाइल का यूज करेंगे तो कॉमा नहीं देंगे, पहले यूज करेंगे तो कॉमा देंगे। थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करो। फॉर अ वाइल वेट फॉर मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए फॉर अ वाइल यूज किया हुआ है। शुड हैव मीन्स होता है कोई काम करना चाहिए था, मतलब कोई काम पास्ट में करना चाहिए था। सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वेतरे प्लस ऑब्जेक्ट। उसने अपना काम पूरा कर उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। उसने अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। रवि को नाश्ता कर लेना चाहिए था। रवि शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तुम्हें छाता लेना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला। तो यह पर आप देख सकते कोई काम करना चाहिए था, मतलब शुड हैव का प्रयोग करेंगे। इंस्टीड ऑफ, इन स्टीड ऑफ इसका मतलब है के बजाय या के बदले। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन स्टीड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसने कड़ी मेहनत करने के बजाय अपना समय बर्बाद किया। तो सेंटेंस बनेगा ही वेस्टेड हिज टाइम इन स्टीड ऑफ वर्किंग हार्ड। इन स्टीड ऑफ वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बजाय। वो सोने के बजाय मोबाइल चला रहा है। ही इज यूजिंग अ मोबाइल इन स्टीड ऑफ स्लीपिंग। किसके बजाय? तो सोने के बजाय। तो इन स्टीड ऑफ स्लीपिंग, खेलने के बजाय प्लेइंग, रोने के बजाय वीपिंग, दौड़ने के बजाय रनिंग, इन स्टीड ऑफ के बाद यूज कर सकते हैं। मैं बाइक के बजाय लैपटॉप लेने चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक अ लैपटॉप इंस्टीड ऑफ अ बाइक। तो यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हो। वुड हैव का मतलब होता है कोई काम कर चुका होता। जब कोई काम कर चुका होता पास्ट में ही तो यूज करते हैं वुड हैव। सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वितरी प्लस ऑब्जेक्ट है। वो अंग्रेजी सीख चुका होता। ही वुड हैव लर्न इंग्लिश। ही वुड हैव लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख चुका होता। प्रिया खाना पका चुकी होती। प्रिया वुड हैव कुक्ड फूड। प्रिया वुड हैव कुक्ड फूड, प्रिया खाना पका चुकी होती। आकाश अभी तक पत्र लिख चुका होता। आकाश वुड हैव रिटन अ लेटर टिल नाउ। टिल नाउ मीन्स अभी तक। हैव बीन का मतलब है से रहा है, किसी टाइम से कोई काम कर रहा है। तो सेंटेंस बनेगा हम लोग 2 घंटे से मैच खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 आवर्स। मैं 9 बजे से यहाँ काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 9 o'clock। प्रिया 4 सालों से गाना गा रही है। प्रिया हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 years। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी टाइम से कोई काम कर रहे हैं। तो सेंटेंस ऐसे बनेंगे इस स्ट्रक्चर की मदद से।
नेक्स्ट टू का मतलब है के बगल में। बगल में मतलब यूज करते हैं नेक्स्ट टू, जैसे कि अमन मेरे बगल में खड़ा है, अमन अमन मेरे बगल में खड़ा था, अमन वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। प्रिया अपने दोस्त के बगल में सो रही है, प्रिया इज स्लीपिंग नेक्स्ट टू हर फ्रेंड। मेरे बगल में कोई नहीं है, देर इज नो वन नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट टू मी मतलब मेरे बगल में, नेक्स्ट टू यू आपके बगल में, नेक्स्ट टू हिम उसके बगल में, ऐसे यूज किया जाता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।